हेलो नमस्ते, आज का हम टॉपिक है हाई यूरिक एसिड सिम्टम्स। इसका मीनिंग है कि आप या आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति के बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो किस टाइप के रिएक्शन या किन किन प्रकार के सिम्टम्स से लक्षण देखने को मिलेंगे, इसके बारे में जानते हैं। आपने पहले बच्चे में विजिट किया तो वीडियो को लाइक करें, जिनको सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ें। सबसे पहले हम टॉप 10 यूरिक एसिड बढ़ने के बाद आपके बॉडी में किन किन प्रकार के सिम्टम्स या किन किन प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है जोड़ों में असहनीय दर्द। इसका मीनिंग है कि आपके शरीर के, जैसे कि आपके पैरों में जो जोड़ होती है, उंगलियों के जोड़ होते हैं, उन्हें बहुत असहनीय दर्द होगा। आप चलोगे तो आपको दर्द होगा, आप अपने पैरों को मूवमेंट करोगे जब आपको बहुत ज़्यादा अधिक दर्द होगा। सेकंड है जोड़ों में सूजन। इसका मीनिंग है कि आपके हाथ पैरों में बहुत अधिक सूजन देखने को मिलेगी, या जिन जिन बॉडी पार्ट के जोड़ होते हैं, जैसे कि पैरों में जोड़ होते हैं, हाथों में जोड़ होते हैं, वहाँ पर सूजन देखने को मिलेगी, वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी। थर्ड है बोन मूवमेंट प्रॉब्लम। इसका मीनिंग यह है कि आप अपने पैरों को या किसी भी जोड़ को, यानी कि आपके पैर या हाथ के किसी भी जोड़ को मूवमेंट करोगे तो वहाँ पे पेन महसूस होगा, वहाँ पे दर्द महसूस होगी, असहनीय पेन हो सकता है, वहाँ पे सूजन देखने को मिल सकती है, वहाँ पे डार्कनेस देखने को मिल सकता है। फोर्थ है पैरों या उंगलियों, या हाथों की उंगली हो या पैरों की उंगली हो, उनमें असहनीय दर्द देखने को मिल सकता है, सूजन देखने को मिल सकती है, वहाँ पर रेड डार्क रंग का धब्बा देखने को मिल सकता है, वहाँ के पैरों के तलवे में जलन देखने को मिल सकती है, या चुप चुप के दर्द देखने को मिल सकती है यूरिक एसिड बढ़ने के बाद। फिफ्थ है किडनी की फतरी के कारण पेट के नीचे के हिस्से में, यानी कि एब्डोमल के नीचे में, या एब्डोमल पेन बहुत अधिक देखने को मिलेगा, या पेट में बहुत अधिक दर्द देखने को मिलेगा यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। सिक्स है त्वचा का लाल या पीला पड़ना। जिस बॉडी पार्ट में स्वेलिंग देखने को मिलेगी वहाँ पर रेडनेस और पीलापन देखने को मिल सकता है। सेवन्थ है बार बार पेशाब जाना। इसका मीनिंग है कि जिन व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा होता है उनको दिन में कम से कम 7 से 15 बार तक के यूरिन लग सकता है, पर नॉर्मली हर व्यक्ति को 3 से 5 या 6 बार यूरिन जाना होता है, बट इनसे 2 गुना जा रहा है किसी व्यक्ति यूरिन तो उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। 8 है बुखार आना, या आपके बॉडी में बहुत ही थकान देखने को मिलेगी, आपके शरीर में वीकनेस देखने को मिलेगी, या आपके बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अधिक कमजोर हो जाएगी। 10th है यूरिन करने के टाइम रेडनेस, जलन, या वहाँ से ब्लड आ सकता है, या बहुत अधिक आपको तकलीफ हो सकती है यूरिन करने के टाइम। 10th है उल्टी या जी मचलाना, या आपको बहुत अधिक हेल्थ भी इशू आ सकते हैं, आपका मन एकदम एकत्रित नहीं रहेगा, आपका जी मचलेगा, आपको वोमिटिंग या उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। यह है 10 कारण हाई यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपके बॉडी में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। इनमें से 2 से अधिक सिम्टम्स आपके बॉडी में देखने को मिल रहे तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट जरूर करा लें, और आपको यूरिक एसिड अधिक दिख रहे तो या अधिक मात्रा में है तो अपने डॉक्टर के सलाह से अच्छा ट्रीटमेंट फॉलो करें और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।